नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में। इस वक्त की बड़ी खबरों पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित दो युद्ध पोतों सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मजगांव डॉक्स में लॉन्च किया। कार्यक्रम में शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कोविड और यूक्रेन के चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्र क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने कहा कि ये पहली बार है कि स्वदेशी रूप से निर्मित दो युद्ध पोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। MDL एक प्रमुख जहाज और पनडुब्बी निर्माण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सूरत प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स का चौथा जहाज है, जो P-15A कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स के एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करता है और इसका नाम गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी और मुंबई के बाद पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र नौसेना के नाम पर रखा गया है। कहा, प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के जहाज नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जिन्हें MDL में बनाया जा रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा है कि वो अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और आजम खान के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे शिवपाल यादव ने आजम खान की तारीफ करते हुए कहा कि उनके बाहर आने के बाद बातचीत की जाएगी। उन्होंने अखिलेश यादव की वो गलतियां भी गिनाई हैं जिनकी वजह से पार्टी विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर हो गई। निजी मीडिया समूहों को दिए एक इंटरव्यू में शिवपाल यादव से पूछा गया कि एक बड़े गठबंधन के बावजूद सपा सत्ता से दूर क्यों रह गई। इस पर प्रसपा नेता ने कहा, जनता बदलाव चाहती थी लेकिन टिकट बांटने, प्रत्याशियों के चयन और सलाह लेने में गलतियां की गई। मेरे सहित वरिष्ठ नेताओं की राय नहीं ली गई, मुझे एक सीट तक रोक दिया गया, ये सब गलतियां हुई। खुद को समाजवादी बताते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव को अभी भी अपना अभिभावक मानते हैं और इसीलिए उनकी पार्टी के झंडे में उनकी तस्वीर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम रघुवर दास को जेल भेजने का प्लॉट दिल्ली में बना लिया गया है। बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व सीएम रघुवर दास को जेल भेजने की पूरी योजना तैयार कर ली है। बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व सीएम रघुवर दास को जेल भेजने की पूरी योजना तैयार कर ली है। बाबूलाल और दीपक प्रकाश एक साथ दिल्ली गए थे और जब लौटे तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी थे, तीनों एक साथ वापस आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों नेताओं की प्लानिंग है कि हेमंत का नाम लो और कारनामा रघुवर का बताओ ताकि उन पर जांच हो और रघुवर जी जेल जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। अगले महीने होने वाली उनकी अयोध्या यात्रा को लेकर अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने उन पर तंज कसा है। मंगलवार को एक कार्यक्रम के सिलसिले में ठाणे पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राज ठाकरे से अयोध्या जाने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगने को कहा है। इतना ही नहीं, अपने ठाणे दौरे के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री की जरूरत है। गौरतलब है कि राज ठाकरे पर 2008 में मराठी मानुष के समर्थन में आंदोलन के दौरान रेलवे की परीक्षा देने के लिए मुंबई के कल्याण पहुंचे उत्तर भारतीयों के साथ कथित तौर पर मारपीट का आरोप है। पिछले महीने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे ने अपनी आवाज बुलंद की थी। महाराष्ट्र स्थित मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वेतन का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा अचानक की गई हड़ताल के कारण 275 मिनी बसों में से कम 163 बसें सड़कों से नदारद रही। गौरतलब है कि एक महीने से भी कम समय में ठेकेदार के चालकों द्वारा अचानक की गई ये दूसरी हड़ताल है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले वेतन में देरी को लेकर 22 अप्रैल को चालकों के अचानक हड़ताल पर चले जाने के कारण 275 मिनी बसें सड़कों से नदारद रही थी। बेस्ट के प्रवक्ता मनोज वर्दे ने कहा कि कर्मचारियों के आंदोलन के कारण MP ग्रुप की 275 मिनी बसों में से केवल 112 परिचालित की गई। वर्दे ने कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए बेस्ट ने अन्य डिपो से अपनी बसें परिचालित की।
उन्होंने कहा कि अनुबंध में मौजूद नियमों व शर्तों के अनुसार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेस्ट के अनुसार ये कोलाबा, वडाला, बांद्रा, कुरला और विक्रोली डिपो से मिनी बसों का संचालन करता है। इसमें से बांद्रा, विक्रोली और कुरला डिपो में परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि दिन में वहां के क्रमश केवल 2, 5 और 11 मिनी बसों का परिचालन किया गया। बेस्ट मुंबई में सार्वजनिक बस सेवा उपलब्ध करता है। इसके बेड़े में लगभग 3,500 बसें हैं, जिनमें विभिन्न निजी ठेकेदारों से किराए पर ली गई बसें भी शामिल है। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।